विज्ञान क्लास 9 क्लास की साइंस के अंदर चैप्टर करने वाले हैं 8वां बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत मस्त चैप्टर, बहुत बढ़िया फिजिक्स का चैप्टर, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। फिजिक्स के पहले चैप्टर के लिए पहली वाली वीडियो देख लो, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या चीज़ क्या है, बल, फोर्स क्या है, फोर्स, ये भैया सुना तो बहुत है। बल मतलब किसी पे बल लगाना, शक्ति लगानी, है ना। उसका बाद क्या है, गति। गति तो अभी पढ़कर आए हम पिछले चैप्टर में, मोशन अभी पढ़ के आए ना, क्या होती है गति, अभी पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पर गति के नियमों की बात होती है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है, इसकी बात होती है। गुप्त रूप में हमने वहां पढ़ लिए थे, लेकिन शुद्ध रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ देखना है, यहाँ देखो बल क्या होता है, क्या बल क्या होता है बेटा। बल होता है जब किसी वस्तु पर मैं जोर लगाऊं, क्या लगाऊं, और उसकी अवस्था में कुछ चेंज आ जाए तो मानेंगे उस पर बल लगा है, फोर्स लगा है। जैसे कि एक स्प्रिंग को मैंने पकड़कर खींचा और उसे खोलकर ढीला कर दिया, ये लो भैया दूर दूर कर दी, तो मानेंगे बल लगाया। अब मैंने एक बॉल ली, दोनों तरफ से उसे पिचकाया, क्या किया, पिचकाया, और वो पिचक गई, तो हमने माना काम हुआ। लेकिन अब मैंने तुमसे कहा एक कट्टा उठाओ, सीमेंट का कट्टा उठाओ 50 किलो का, तुम पे नहीं उठा, तुमने बहुत जोर लगाया, थक गए। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग तुम थक गए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने उसे उठाकर उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया उसकी स्थिति में, तो काम नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, कोई बल नहीं लगाया तुमने, कोई काम नहीं हुआ, नहीं किया, समझ गए, क्या समझे, समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। ऐसी बोलते हैं हम, कूली ने भी कोई काम नहीं किया, क्योंकि कूली ने अपने सर पे जब सामान रख लिया तो उसकी पोजीशन क्या, सर पे रखी हुई, कूली चलता है लेकिन पोजीशन तो सेम वही है, सर पे रखी हुई। हम बोलते हैं भैया कोई काम ही नहीं किया उसने तो, ठीक है। अच्छा अब बेटा पहले अब ये समझो, इम्पोर्टेंट, बल भी दो तरह का होता है, बल भी दो तरह का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला होता है बेटा बैलेंस्ड, इसका मतलब संतुलित, क्या संतुलित, और दूसरा क्या होगा, अनबैलेंस्ड, क्या अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित, क्या असंतुलित। इसका क्या मतलब है बेटा, संतुलित बल का मतलब होता है किसी चीज पर ऐसा बल लगाना कि दोनों तरफ से बराबर का बल लग जाए और वो चीज बिल्कुल भी हिले डुले ना। ऐसा होता है कभी, होता तो है जब बेटा हम चैन चैन वगैरह खेलते हैं, रस्सी खींचते हैं, जब दोनों तरफ से क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है ना, इधर खींच रहा ना इधर खींच रहा, ठीक। अब मान लो तुम किसी चीज को डब्बे को धक्का दे रहे हो, डेस्क को धक्का दे रहे हो, दूसरी तरफ से तुम्हारा दोस्त आके भी उसको धक्का देने लगे, अब क्या होगा, डेस्क ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम बल लगाएं तो कोई चीज एक तरफ की तरफ भागती चली जाए, क्योंकि उस पर अलग अलग दिशा से जो भी बल लगे वो भागती चली जाए, चल पड़े, समझ गए, तो वो क्या है, असंतुलित बल। बात समझ में आ गई, ओके। एक साइंटिस्ट के बारे में दिखा हुआ है, गैलीलियो, गैलीलियो ने ये बताया था कि भैया धरती जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। इससे पहले हम क्या मानते थे कि सूरज है धरती के चारों ओर घूमता है, लेकिन उसने इस बात को बोला कि ये बेटा दोनों एक दूसरे से गति के नियम से जुड़े हुए हैं और धरती सूरज के चक्कर लगाती है, ना कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। उसका बेटा बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि चर्च जो था वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। बाकी भारत में तो हम बेटा हमेशा जानते ही हैं कि सूर्य परिक्रमा नहीं लगाता, धरती परिक्रमा लगाती है। हम तो वैसे ही हमेशा से बहुत साइंटिफिक रहे हैं और हमें अपनी संस्कृति पे हमेशा गर्व करना चाहिए, और लेकिन आगे हमारी संस्कृति अच्छी रहे इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो, अब एक नियम हमको पढ़ना है, जड़त्व का नियम, क्या जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, का नियम, इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया का लॉ, क्या लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको बेटा न्यूटन का पहला लॉ भी कहते हैं, न्यूटन का भी खोज न्यूटन ने करी थी। हाँ बेटा खोज नहीं की थी इसकी, ये तो हमेशा से था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, ग्रेविटी तो हमेशा थी, उसने उसको जाना था, उसने उसको बेटा जाना, उसके बारे में थ्योरी दी, उसके बारे में फॉर्मूला दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने उसकी उसका उसका निर्माण किया, निर्माण नहीं किया, उसने उसकी खोज की, कह सकते, क्या कह सकते, खोज की, उसने उसके बारे में जाना और लोगों को उसके नियमों के बारे में बताया। उसने तीन नियम बताए, पहला नियम मैंने तुम्हें बता दिया कि जड़त्व का नियम, जड़त्व का मतलब होता है कि हर चीज बेटा एक ही जगह पर रुकी रहना चाहती है, वो अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहती, नहीं चाहती। जब हम उस पर कोई बल नहीं लगाते, जब तक उस पर कोई जोर नहीं लगाते, वो चीज वहां से नहीं हिलना चाहती, समझ रहे हो। देखो जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड पे तुमने गोटी के ऊपर गोटी लगा दी, अब नीचे से तुमने क्या हुआ, एक स्ट्राइकर मारा, तो स्ट्राइकर क्या करता है, नीचे की गोटी पे लगेगा तो ऊपर की सारी गोटी ऐसी की ऐसी रह जाएंगी और नीचे वाली गोटी निकल के बाहर आ जाएगी। ऐसा किया है कभी तुम में से किसी ने? ऐसे क्या होता है, टेबल पे कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े के ऊपर सामान रखा हुआ है या फल रखा हुआ है, तुमने कपड़ा इतनी तेजी से खींचा कि वो सामान वहीं का वहीं
रह गया और कपड़ा भी बाहर आ गया। ऐसा हुआ है कभी? क्यों? क्योंकि बेटा वो जो चीज है वो उस जगह से हिलना नहीं चाहती, उस जगह से हिलना या चलना नहीं चाहती जब तक उसके ऊपर से कोई फोर्स ना लगे, कोई दम ना लगे। वो वहीं की वहीं बैठी रहेगी, जब उस पर कोई अलग से फोर्स लगेगी, जान लगेगी, तो वो हिलेगी। तो पहला नियम समझ गए, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगला देखो, गति का दूसरा नियम, गति का सेकंड नियम, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? तो सेकंड लॉ क्या कहता है, मतलब गति का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है बेटा, जब मैं किसी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, तो उसके अंदर कुछ चेंज आएगा, उसमें कुछ त्वरण आएगा। एफ का मतलब बल, मतलब फोर्स, और ये एम क्या है, एम का मतलब है वस्तु का मास, मतलब द्रव्यमान, या तुम भार कह सकते हो सरल भाषा में, अगर पृथ्वी पर बात करें ग्रेविटी नॉर्मल कंडीशन में तो। और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, हम पढ़ के आए हैं अभी, और मतलब त्वरण। इसका मतलब कोई चीज़, मान लो ये मेरा डस्टर है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे ही रहना चाहता है गति के नियम के हिसाब से, ऐसे ही रहना। अब मैंने क्या किया, इस पे पीछे से जोर लगाया, क्या किया, जोर लगाया, तो क्या इसके अंदर कुछ वजन है, और मेरा जोर भी इसी हिसाब से तो लगेगा जो इसका वजन होगा। ये भारी होता तो मेरी उंगली से तो नहीं हिलता, अभी मेरी उंगली लायक जोर लगा रहा हूँ तो हिल सकता है। अब ये हिला और इसके अंदर क्या, धीरे धीरे से इसकी गति बढ़ रही है, और गति का धीरे धीरे बढ़ना ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अरे फॉर्मूला मिट गया यार, त्वरण कहलाता है। त्वरण का फॉर्मूला मैंने क्या सीखा था, v माइनस ए बटे में टी, यही तो फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। v माइनस यू बटे में टी, यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, क्या होता है, प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और बेटा ये क्या होती है, अंतिम वेग, क्या अंतिम मतलब फाइनल वेलोसिटी, और नीचे समय। और ए का मतलब त्वरण होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ना या घटना, ठीक है, समझ में आ गया। तो गति का दूसरे नियम का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए, मतलब वस्तु का वजन और वस्तु में आने वाला स्पीड का चेंज जब मैं उसके ऊपर कुछ भार लगा देता हूँ। समझ में आई बात, बात समझ में आई नहीं आई? इस फॉर्मूले को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एम इंटू ए बटे में टी, ये तो है ही, समय के साथ आने वाला चेंज, ठीक, ये लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ ये, जब मैं ए का फॉर्मूला इसके अंदर खोल दूँ, असली में तो फॉर्मूला मेरा नॉर्मल है एम इंटू ए, अब इसको मैंने ए का फॉर्मूला खोल दिया तो टी आएगा, देखो कैसे आएगा, देखो तो ए का फॉर्मूला में क्या होता है, ए का फॉर्मूला खोल दो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है, वी माइनस यू बटे में टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। अब बेटा जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का काम मैं कर दूंगा, अगर क्वेश्चन में मास और एक्सेलरेशन दे रखा होगा, निकालना ना पड़े, तो ये वाला फॉर्मूला नॉर्मल, और जिसके अंदर एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़े उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ देखो उदाहरण नंबर एक, इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें बोला है बेटा 5 किलोग्राम की कोई चीज है, 5 किलोग्राम द्रव्य दिया हुआ, मतलब मास दे रखा है या द्रव्यमान दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, 5 किलो, बोल रहा है 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड 3 से 7 हो जाती है, मतलब इनिशियल स्पीड, मतलब शुरुआती वेग यू 3 और अंतिम वेग 7 हो जाता है। तो क्या निकालो, इसका इस पर लगने वाला बल निकालो, कितना बल लगा होगा इसके ऊपर। तो बल का फॉर्मूला कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए, और ए का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, सुबह ही पढ़ के गए हम दोनों को माइनस किया तो ये 7 में 3 4/2 ये गया 2, एक्सेलरेशन आ गया 2, मास कितना था 5 किलो, एक्सेलरेशन आया 2 5 2 10, यहाँ पे न्यूटन क्यों लगाया, न्यूटन जैसे बेटा वजन, जैसे वजन की यूनिट होती है किलोग्राम ग्राम, ठीक है, स्पीड की होती है किलोमीटर पर घंटा मीटर पर सेकंड, ठीक है, जैसे किसी चीज को तुम तेल वगैरह को या पानी को वॉल्यूम में नापते हो तो किस में नापते हो, मीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से जो बल होता है इसके खोजकर्ता कौन है, इसको ढूंढने वाले कौन है, न्यूटन, तो इसलिए उनको हर कण याद किया जाए, हर क्षण याद किया जाए, इसलिए बेटा फोर्स के जो भी निकलता है उसकी यूनिट न्यूटन लगाई जाती है, इस बात को तुम ध्यान रखोगे। बेटा टेस्टर दे दो यार, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर बेटा गति के तीसरे नियम पे मूव करते हैं, ध्यान से समझो, इधर उधर बेटा कैमरा कम घुमाओ, इधर देखो, देखो क्वेश्चन क्या करा है, किसी अधिक बल की आवश्यक, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, मतलब किसमें ज्यादा ताकत लगेगी, किसमें फोर्स ज्यादा लगेगी, तो पहली और दूसरी कंडीशन में फोर्स निकाल के देख लेंगे, खुद ही बता देंगे किसमें ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। बेटा पहला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर 2 किलोग्राम की चीज, मतलब मास, मतलब द्रव्यमान क्या रखा है पहली कंडीशन में, 2 किलोग्राम वस्तु की, वस्तु 5 किलोमीटर मीटर पर, त्वरण भी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना
5 मीटर सेकंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है। और दूसरी वस्तु क्या दे रखी है, दूसरी वस्तु का वजन दे रखा है 4 किलो, और उसका त्वरण कितना दे रखा है 2 मीटर सेकंड इनवर्स। ये बता रहा है इन दोनों में से बल किस में ज्यादा लगेगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम गुणा ए। बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम गुणा ए। बेटा एम भी दे दिया, ए भी दे दिया, इससे पहले तो पहला वाला क्वेश्चन मुश्किल था, उसके अंदर तो निकालना था ए, इसमें तो निकालना ही नहीं है, क्या समझे। तो पहले वाले में 2 किलो और ये क्या है इंटू 5, क्या निकल के आया 10। फोर्स किस में, न्यूटन में, बड़े यान। इसका निकाल लो जरा, क्या हुआ 4 गुणा 2 कितना हो गया 8 न्यूटन। कौन बड़ा है बताओ, ये वाला बड़ा है। तो पहले वाले के अंदर पहला वाला दूसरे वाले से क्या है, बड़ा है, बड़े का साइन ऐसा होता है, ये निकल के आ गया। यही आंसर पूछा था, कोई मुश्किल नहीं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चला दी, देखो बेटा इसके अंदर एक ग्राफ दे रखा है त्वरण का, गिरता हुआ त्वरण का। और ये मैं बेटा सुबह ये पिछली क्लास के अंदर जो नहीं पढ़ा है वो गति वाला चैप्टर देख लें। ये क्या है समय, टाइम बढ़ता हुआ, और ये क्या है ये दूरी मतलब डिस्टेंस। ये बढ़ता हुआ, जो घटता हुआ त्वरण इस तरीके से, घटता हुआ एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्म इस तरीके से बनता है। ग्राफ के लिए पिछली वीडियो को कंसर्न करें। न्यूटन ने बेटा आखिरी और थर्ड लॉ दिया, क्या थर्ड लॉ, आखिरी और थर्ड लॉ मतलब तीसरा नियम, क्या तीसरा नियम। तीसरे नियम के अंदर उसने क्या बोला कि बेटा जिस पर भी हम बल लगाते हैं, जिस पर भी हम फोर्स लगाते हैं, वो उतना ही फोर्स वो वस्तु हमारे ऊपर वापस लगा देती है, उतना ही बल हम पे लगा देती है। जैसे कि जब हम गोली चलाते हैं तो बेटा जब गोली जिस तेजी से निकलती है उतना ही बल वो पीछे भी लगाती है। जब हम नाव चलाते हैं तो पानी को धकेलते हैं ना, तो जितना पानी हम पीछे धकेलते हैं वो भी हमारी नाव को उतना ही आगे धकेल देता है। जब रॉकेट बेटा नीचे दम लगाता है, रॉकेट नीचे दम लगाता है तो रॉकेट धरती भी उस पर उतना ही दम लगा के उसको ऊपर उड़ा देती है, ठीक है। देखा है ना तुमने, है ना। अब जैसे तुम दीवार पे मुक्का मारोगे तो उतनी तेज तुम्हारे हाथ में भी दर्द हो जाएगा, क्योंकि दीवार उतना ही जोर तुम पे भी लगाती है, लगा देगी। बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं खड़ा हूं, मैं तेरे इसको धक्का दूंगा, तो जब मैं इसको धक्का दूंगा तो कुछ धक्का तो मुझे भी लगेगा ना, समझ गए। ये बेटा न्यूटन का तीसरा लॉ, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। एनसीईआरटी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।